हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रावेनस यूरोग्राम IVU एंड IVP। IVU का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस यूरोग्राम एंड IVP का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस पाइलोग्राम। दोनों प्रोसीजर सेम होता है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है, वो अभी बताऊंगी मैं आपको। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं इंट्रावेनस यूरोग्राम की। IVU क्या है? एक रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है यूरिनरी ट्रैक का, जिसमें क्या विजुअलाइज करते हैं हम? कैलाइसिस, रीनल पैरेन्काइमा एंड पेल्विस आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंजेक्शन देने के बाद। अब इंट्रावेनस पाइलोग्राम क्या होता है? ये भी एक यूरिनरी ट्रैक का एग्जामिनेशन है, बट इसमें क्या होता है, हमें रीनल पैरेन्काइमा नहीं शो होगा। इसमें क्या हो रहा था, हमें IVU में रीनल पैरेन्काइमा शो हो रहा था, लेकिन IVP में हमें रीनल पैरेन्काइमा शो नहीं हो रहा था। ये ही इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस है, रेस्ट ऑफ प्रोसीजर दोनों का सेम होता है। अब आते हैं हम एनाटॉमी पे। एनाटॉमी में देखेंगे हम यूरिनरी ट्रैक का है, तो इसमें आएगा हमारी किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। एंड हम ज़्यादा डीपली एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे, आप सबने एनाटॉमी पढ़ी होगी। इसके बाद आ जाते हैं हम इंडिकेशंस पे। इंडिकेशंस का मतलब होता है हम किस चीज़ के लिए इसको परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा हेमाचूरिया। हेमाचूरिया मतलब क्या होगा, ब्लड आएगा यूरिन के साथ, जब पेशेंट को पेशेंट क्या करेगा, कंप्लेन करेगा कि वो यूरिन पास कर रहा है तो उसको ब्लड भी आ रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं हेमाचूरिया। रीनल पेन हो गया या फ्लैंक पेन, बर्निंग मैच्यूरेशन। बर्निंग मैच्यूरेशन होता है कि यूरिन पास करते हुए वहाँ पर उसे क्या हो रही है, जलन फील हो रही है, वो होता है बर्निंग मैच्यूरेशन। रीनल कैलकुलस, स्टोन हो गया, ठीक है, या कैल्शियम का, कैल्शियम क्या हो गया वहाँ पर इकट्ठा हो गया है, वो हो गया हमारा रीनल कैलकुलस। या कोई रीनल इंजरी हो, या कोई यूरोपैथी हो, या यूरिन पास करने में पेशेंट को डिफ़िकल्टी हो रही है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि वो यूरिन प्रॉपर वे में पास नहीं कर पा रहा है, या रीनल रीनल डोनर हो, किसी को अपनी किडनी डोनेट करनी है, तो उससे पहले क्या होगा, हमारा IVP परफॉर्म करते हैं, या दोनों किडनी के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये जो इंडिकेशन थी हमारी, ये थी एडल्ट्स के लिए। अब आती है हमारी चिल्ड्रंस में। अब चिल्ड्रंस में कौन सी इंडिकेशंस होगी? पहली होती है हमारी वेटर एनोमलीज। वेटर एनोमलीज में क्या होगा हमारा, दैट मींस कि कोई पेशेंट है, उसको क्या है, ट्रैकियो ईसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन है। ईसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, या रीनल एनोमलीज है, या वर्टिब्रा में कोई एनोमलीज है, उन्हें कहते हैं हम वेटर एनोमलीज। वेटर एनोमलीज क्या होता है, ट्रेकिया एंड ईसोफेसियल फेसियल के बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, या वर्टिब्रा या रीनल में कोई एनोमलीज हो। दूसरा आता है माल फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक। माल फॉर्मेशन क्या होता है, एक किडनी डिजीज़ है ये, हॉर्श मतलब जो किडनी होती है ना हमारी, बीन शेप की होती है, और इन पेशेंट में क्या होगी, हम ये किडनी जो है एक हॉर्स शू के शेप में दिखेगी। ये होती है हमारी चिल्ड्रन की इंडिकेशंस। फिर आती है हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि हम किस केसेस में ये नहीं कर सकते हैं। एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से कोई एलर्जी है, कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, उनका भी नहीं कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट में नहीं करेंगे, बिकॉज कोई भी डायबिटिक पेशेंट है वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया के क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिक होगा, इसलिए हम डायबिटिक पेशेंट में भी नहीं करते हैं। या कार्डियक डिसऑर्डर है, किसी को हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर है, उनमें भी एक होगा मल्टीपल माइलोमा। अब मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल। जो कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल होगा उसको बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा।
ये होती है हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। देन आता है इसके बाद कॉन्ट्रास्ट मीडिया। हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसमें यूज़ करते हैं? नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया। एंड एडल्ट में क्या करेंगे? हम 40 to 50 ml देते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया करेंगे? नॉन आयनिक आयोहेक्सोल एंड ओमनिपैक। इन चिल्ड्रंस हम क्या करेंगे? जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है अकॉर्डिंग टू वेट देते हैं, जितना बच्चे का वेट होगा उतना हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया देंगे। बट एडल्ट्स में हम 40 to 50 ml देते हैं। और इसके जो इंजेक्शन होते हैं, मतलब जिसमें हम फिल कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट, 25 ml के टू होंगे सिरिंज, उनमें हम फिल करते हैं 25 ml करके देंगे। उसके बाद आता है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट अब हमें क्या चाहिए इसके लिए? बटरफ्लाई नीडल, कॉटन एंड ग्लव्स, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कि होते हैं हमारे इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट के बाद आता है कि हम पेशेंट के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है? पेशेंट से ओवरनाइट फास्टिंग करानी है 6 hours की। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले KFT रिपोर्ट को हमें चेक करना है एंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को चेक करना है। KFT में हमें क्या करना है? केराटिन लेवल चेक करना है, यूरिया लेवल हमें क्या करना है? चेक करना है पेशेंट का। उसके बाद आता है हमारा बाउल प्रिपरेशन। बाउल प्रिपरेशन हमें पेशेंट को बोलना है लो रेजिडुअल डाइट लेना है, हल्का खाना लेना है, और पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो पपाया खा सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा कि हमें कंसेंट फॉर्म साइन कराना होता है पेशेंट से एंड पेशेंट का जो अटेंडेंट होता है उनसे भी। पेशेंट को डिहाइड्रेट नहीं करना है एंड लग्जेटिव्स देते हैं पेशेंट को। डल्कोलेक्स एंड गैसेक्स देंगे। वो क्यों देते हैं? डल्कोलेक्स देते हैं हम फीकल मैटर को रिमूव करने के लिए, फीकल मैटर को, एंड गैसेक्स देते हैं हम गैस को रिमूव करने के लिए। उसके बाद आता है प्रोसीजर। अब हम प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेंगे? पेशेंट को क्या करेंगे? हम सुपाइन पोजीशन में रखेंगे, पेशेंट को लेटा देंगे मैक्सी टेबल पे सुपाइन पोजीशन में। उसके बाद हम स्काउट लेंगे, स्काउट फिल्म लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो हमारी बटरफ्लाई नीडल है, बटरफ्लाई नीडल का हम यूज़ करते हैं, उसे क्या करेंगे? हम इंसर्ट करेंगे कहाँ पर? वेन में, क्यूबाइटल फोसा के पास। इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? जो कंट्रास्ट मीडिया का इंजेक्शन होगा हम उससे कनेक्ट कर देते हैं बटरफ्लाई नीडल से एंड इंजेक्ट करेंगे कंट्रास्ट मीडिया। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिया, पहले हम स्काउट लेंगे, फिर बटरफ्लाई नीडल को इंसर्ट करेंगे, देन कंट्रास्ट मीडिया के इंजेक्शन को हम अटैच करते हैं बटरफ्लाई नीडल से। इंजेक्शन जो कंट्रास्ट मीडिया होगा इंसर्ट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा फिल्मिंग टेक्निक। तो इसमें कौन कौन सी फिल्म लेते हैं? सबसे पहला जो हम लेते हैं वो हमारा स्काउट। स्काउट हम क्यों लेते हैं? जो हमने फैक्टर्स दिए हैं उनको चेक करने के लिए, किडनी की पोजीशन के चेक करने के लिए हम स्काउट करते हैं। ये कैलकुलस देखने के लिए, कैल्सिफिकेशन देखने के लिए, मतलब अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो कलेक्टोज आते हैं उसमें, सॉरी गैस, इंटेस्टाइनल गैस पैटर्न देखने के लिए। ये हो गई हमारी स्काउट फिल्म का क्यों हम लेते हैं। फिर 1 minute फिल्म लेंगे हम, उसमें क्या होगा? हमें नेफ्रोग्राम शो होगा। उसके बाद हम लेते हैं 5 to 7 minute की फिल्म, जिसमें हमें क्या करनी होती है? किडनी के लिए हम ये फिल्म लेते हैं, पोजीशन ऑफ किडनी देखने के लिए, एंड जो कंट्रास्ट मीडिया हमने इंसर्ट किया है वो देखने के लिए, कोई भी न्यूरोपैथी तो नहीं है वहाँ पर किडनी में, वो चेक करने के लिए हम 5 to 7 minute फिल्म लेते हैं 5 to 7 के। उसके बाद आती है हमारी 10 minute फिल्म। 10 minute फिल्म में हमारी क्या होती है? कंप्रेशन फिल्म। कंप्रेशन फिल्म में क्या करते हैं? हम कंप्रेशन बैंड लेंगे, कंप्रेशन बैंड, उसे क्या करेंगे हम अप्लाई करते हैं जो हमारी इलियक स्पाइन होती है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो हमारी इलियक स्पाइन होगी उस पर हम वहाँ पर क्या करते हैं? उस एरिया पर हम कंप्रेशन बैंड लगा देते हैं। अगर किसी को भी रीनल ट्रॉमा होता है या एब्डोमेन में पेन हो या कोई सर्जरी हुई हो एब्डोमेन की, तो हम ये कंप्रेशन बैंड का यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद आती है 15 minute फिल्म। 15 minute फिल्म हम लेते हैं प्रोन पोजीशन में। प्रोन पोजीशन में क्यों लेंगे हम? क्योंकि उसमें क्या होता है? हमारा यूरेटर अच्छे से विजुअलाइज होता है प्रोन पोजीशन में। इसे हम रिलीज फिल्म भी बोलते हैं। रिलीज फिल्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कंट्रास्ट मीडिया है किडनी से हमारा किधर आएगा? यूरेटर की तरफ, इसलिए हम इसे रिलीज फिल्म भी बोलते हैं। फिर लेते हैं हम
35 मिनट की फिल्म में क्या होगा, ब्लैडर डिस्टेंशन देखते हैं। सारा कंटेंस मीडिया हमारा आ गया कहाँ पर, ब्लैडर में। इसको हम फुल ब्लैडर फिल्म भी बोलते हैं, फुल ब्लैडर फिल्म बोलते हैं जब पूरा कंटेंस हमारा ब्लैडर में आ गया। उसके बाद लेते हैं पोस्ट वाइट 45 मिनट पर या 40 मिनट पर हम ये फिल्म लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं आफ्टर वाइटिंग। मतलब जब पेशेंट के हमने फुल ब्लैडर फिल्म ले लिया, हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो क्या कर कर यूरिन पास कर कर आए, ये क्या कर लेते हैं, फिल्म लेते हैं उसके बाद देखने के लिए कोई कंट्रास्ट मीडिया ना रह गया। फिर आती है हमारी कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है हमारा, कंट्रास्ट से कोई रिएक्शन हुआ हो, अब वो माइल्ड हो सकता है, सीवियर हो सकता है, ठीक है। या पेशेंट क्या हो सकती है, पेशेंट कंप्लेन करता है अपर आर्म एंड शोल्डर में पेन, क्योंकि हमने क्या किया था, बटरफ्लाई नीडल का यूज़ किया था, तो उसकी वजह से हो सकता है पेशेंट को पेन फील हो। अब कॉम्प्लिकेशन तो हो गई, फिर आती है हमारी आफ्टर केयर। अब हमने प्रोसीजर पूरा परफॉर्म कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, पेशेंट को ऑब्जर्व करना है एटलीस्ट फॉर 6 आवर्स। 6 आवर्स के लिए हमें पेशेंट को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है कि पेशेंट में कोई एलर्जी ना हो जाए कंट्रास्ट मीडिया से।